हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। सो दिस विल बी द ओपनिंग लेक्चर फॉर द एग्रीकल्चर पोर्शन। एंड यस, फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द एग्रीकल्चर ऑप्शनल विच विल बी बेनिफिशियल बोथ फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज एंड फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट इज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड द स्टेट सिविल सर्विसेज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल फॉर हैविंग सिलेक्टेड एग्रीकल्चर एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट? बहुत ही सही है आप लोग का डिसीजन कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है। नाउ सी, ये डिसीजन क्यों बेहतर है? द रीजंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट हैज सर्टेन इनहेरेंट एडवांटेजेस। लाइक एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, विच ऑन द कॉन्ट्ररी टू द सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, जो एग्जामिनर का माइंड फ्रेम है, जो एग्जामिनर की थिंकिंग है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइक वी टेक एन एग्जाम्पल इन फिजिक्स, वी हैव न्यूटन्स लॉज। अब न्यूटन्स लॉज जो हैं, जो आपके लिए हैं, वही एग्जामिनर के लिए हैं। अगर आपको पता है, अगर आपने सही आंसर लिखा है, तो वो आंसर पे एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा ही देगा। सिमिलरली विद द एग्रीकल्चर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, से द मेंडेलियन जेनेटिक्स और द मेंडेलियन लॉज, राइट? अगर आपको पता है तो आपका आंसर सही होगा ही और एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देकर ही रहेगा, राइट? सो दिस इज वॉट आई मीन वेन आई से एग्रीकल्चर इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव इन नेचर, राइट? नाउ ऐसा काफ़ी पोर्शन है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो कोइंसाइड करता है जीएस के पेपर्स के साथ, दैट इज बोथ विद द प्रीलिम्स एंड द मेंस पोर्शन। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की हम बात कर लें, कुछ विजन डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लें, लाइक यू हैव विजन 2020 डॉक्यूमेंट, लाइक यू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, राइट? इसके अलावा वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रॉपिंग पैटर्न, देन वी हैव एनवायरमेंटल स्टडीज कंसर्न क्वेश्चंस, देन वी हैव ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, एंड देन वी हैव द पॉल्यूशन वाले पोर्शन, राइट? जैसे पॉल्यूशन में से आपके टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गया, उनके कंट्रोल मेजर्स आ गया। ये काफ़ी हद तक आपका मैच करता है जीएस के जो मेंस का पेपर है और जो प्री का पेपर है उनके भी साथ। तो इसमें भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको हेल्प करेगा उन पर एक बेहतर कमांड के लिए, ताकि जब आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो वो बाकी सबके आंसर से अलग होगा और बेहतर होगा, राइट? सो फ्रेंड्स, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट ऑल। आई विल गाइड यू बीइंग योर टॉर्च बियरर। आई विल शो यू द पाथ, रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, पर रास्ते पर चलना आपके हाथ में होगा, राइट? सो इन टोटल हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शनल 100 लेक्चर्स में कवर करेंगे, आउट ऑफ विच 45 लेक्चर्स रहेंगे पेपर वन के, 55 लेक्चर्स रहेंगे पेपर टू के, जो मैं इन डिटेल आपसे आगे डिस्कस करूंगा, राइट? चलिए, सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, हमने एक नया पेज ग्रुप स्टार्ट करा है एमबीपीएससी 2019 प्रीलिम्स के लिए। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, उसकी हेल्प से। और आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स का और यूपीपीएससी मेंस का ग्रुप, जिसके अंदर आपको जीएस एसए हिंदी टेस्ट सीरीज मिलेगा। और आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप फॉर सोशल वर्क, पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है इन सब ग्रुप से कंसर्न, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम कर सकते हैं, और इसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ है, राइट? नाउ जो पेड ग्रुप है उसके अंदर आपको सब पीडीएफ्स, वॉइस मैसेज, स्पेशल पीडीएफ्स एंड जो पर्सनल गाइडेंस है आपके एग्जामिनर की, वो सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट? सो अब आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ द पेपर वन सिलेबस, कि पेपर वन के अंदर आपको एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना है। सी, बिफोर दैट थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि एक्चुअली में हमें लेक्चर को ले जाना किस तरीके से, या फिर मैं आपके लिए लेक्चर को किस तरीके से लेके जाऊंगा। सी, जो आपका लेक्चर होगा वो होगा इन टोटल 45 मिनट्स का, ऑन एन एवरेज से 45 मिनट्स का। इसके अंदर जो फर्स्ट 5 मिनट्स आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके इंट्रो के, उसके बाद जो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रहेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे जो हमारा लेसन का मेन कंटेंट होगा, जो मैंने आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर पढ़ाना है। एंड टूवर्ड्स द लास्ट 10 मिनट्स, वॉट आई विल डू इज, मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पोर्शन में से आया है पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर, जो पोर्शन हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कवर करा है, राइट? तो इससे आपको भी आइडिया होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे एक्चुअली में किस तरीके का क्वेश्चन आता है।
सो आई विल ट्राई टू टेक 1 to 2 क्वेश्चंस इन ईच लेक्चर, ताकि वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के पैटर्न को एक बेहतर तरीके से जानने के लिए. राइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की और पेपर 1 के सिलेबस की. इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इकोलॉजी, जो आपका होगा 3 लेक्चर्स का. राइट, इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, द टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, दैट इज वी हैव ऑट इकोलॉजी, वी हैव सिन इकोलॉजी, देन वी हैव हैबिटेट इकोलॉजी. तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, एंड हाउ आर दीज डिफरेंट. फिर हम थोड़ा पढ़ेंगे इन्हीं के बीच में इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की, जो आपके हो सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक. लाइक वी हैव 2 डिफरेंट स्पीसीज 1 एंड 2, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इन दोनों के हैं. अब 1 और 2 जो स्पीसीज हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज एज वी ऑल नो इंटर स्पेसिफिक. और जो इंटरेक्शन 1 का ही जो इंडिविजुअल है उनके बीच में आपस में होगा, दैट विल बी एन इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दैट इज विद इन अ स्पीसीज. तो ये सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे. राइट, इसके अलावा होगा लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं. लाइक यू हैव इंडिविजुअल, यू हैव स्पीसीज, यू हैव पॉपुलेशन, यू हैव कम्युनिटी. सो वॉट वी विल डू इज वी विल स्टडी किस तरीके से एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी और एक हैबिटेट, ये तीनों आपस में किस तरीके से डिफरेंट है. तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं इनको हम पढ़ेंगे और थोड़ा स्टडी करेंगे कि अगर एग्जाम में हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टडी एग्रो इकोलॉजी इन डिटेल. राइट, कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एग्रो इकोलॉजी, क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, एंड एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन आता है. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ IFOS, दैट इज द फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम्स, आपके लिए एग्रो इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है, बिकॉज एग्रो इकोलॉजी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम कवर करेंगे इन टोटल 4 लेक्चर्स के अंदर. इसके अंदर हमारे पास रहेगा सोशल फॉरेस्ट्री, फिर हम करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, देन वी विल डू शेल्टर बेल्ट्स, एंड यहाँ हम ऊपर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री को. एंड देन वॉट वी विल डू इज हम करेंगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड द शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, जिनसे ज़्यादा उत्पाद मिलता है, दैट इज द हाई यील्डिंग वेराइटीज. एंड देन वी हैव ऐसी वेराइटीज जो जल्दी ग्रो करती हैं, दैट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज. राइट, यू स्टडी दैम इन डिटेल. देन वी विल डू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग, दैट इज हाउ आर दीज टू डिफरेंट. उसके बाद मैं आपको कराऊंगा गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर फ्यू क्रॉप्स, कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स हम ले लेंगे एज अवर टारगेट क्रॉप्स, एंड क्या उनके लिए गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है, किस तरीके से हम उनकी यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ये स्टडी करेंगे. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. अब ये जो आपका पोर्शन होगा ये हम कवर करेंगे 4 लेक्चर्स के अंदर. नाउ इसके अंदर जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट सारे ही जो टॉपिक्स हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है ये आपका GS के पेपर्स के अंदर बोथ प्री एंड मेंस में हेल्प करेगा. राइट, जो आप GS का पेपर अपना सॉल्व करते हैं तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, आपको वहाँ भी हेल्प करेगा, एंड हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब आप अपना आंसर फ्रेम करें तो आपका आंसर सबसे यूनिक हो, सबसे बेहतर हो, और आप यहाँ भी स्कोर करके लेके जाएं और आपका अच्छा स्कोर वहाँ भी आए. ठीक है, सो लेट अस सी हम इसमें क्या क्या पढ़ना है. वी हैव टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वी हैव द हैजार्ड्स ऑफ पोल्यूशन, देन वी हैव वेरियस क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूशंस. ये हम पढ़ेंगे बोथ इंडिया लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूशंस हैं. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड देन अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेज, कि क्या होती हैं, कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है हमारा एनवायरनमेंट को. राइट, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. राइट, देन वी हैव RS एंड GIS, दैट इज द रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कि ये दोनों क्या होते हैं. एंड सी, जो पेपर्स आपके GS के हैं खासकर मेंस लेवल का, उसके हिसाब से RS एंड GIS मोस्ट इंपॉर्टेंट है. राइट, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द GS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा.
ओके देन आफ्टर दिस वी हैव वीट्स अगेन, ये हमारा रहेगा 4 लेक्चर्स का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट्स, राइट। इसमें हम जो इनका क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, और कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है, किसने क्लासिफिकेशन दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव दी हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वीट्स, देन वी हैव द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीट्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ वीट्स बाय वेरियस मेथड्स। लाइक वी हैव बायोलॉजिकल मेथड, वी हैव केमिकल मेथड, वी हैव फिजिकल मेथड, एंड वी हैव द कल्चरल मेथड। तो हम इन सबको इन डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या ये होते हैं मेथड्स, और किस तरीके से ये वीट्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव सॉइल्स। अब ये जो पोर्शन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द जीएस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन इससे बनते हैं, राइट। एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये हम कवर करेंगे फ्रॉम द सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नॉट जस्ट द सिविल सर्विस, जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस है, इसके अलावा वी हैव आईएफओएस, इसके हिसाब से हम इसको रेडी करेंगे, राइट। एंड देन वी विल ऑल्सो कवर दिस पोर्शन सेपरेटली फ्रॉम द स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, जिसके अंदर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जो स्टेट पीसीएस है, लाइक यू हैव बिहार पीसीएस, और यू हैव द एमपी पीसीएस, और यू हैव द राजस्थान पीसीएस, राइट, और यू हैव द यूपी पीसीएस। इसके हिसाब से हमें सेपरेटली इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा बिकॉज हमें हर एक स्टेट के सॉइल के बारे में अलग से नॉलेज होनी चाहिए, राइट। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल्स की। इसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, टाइप्स आ जाएगा, उनका जो प्लेसेस ऑफ अक्रेंस है वो सब आ जाएगा, राइट। इसके बाद वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि किस तरीके से पूरा एक आपका जियोलॉजिकल साइकिल चलता है, और उस जियोलॉजिकल साइकिल की हेल्प से आपका सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन, राइट। इसके अंदर वी हैव मेटामॉर्फोसिस एंड मेनी अदर प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं जो सॉइल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, लाइक देयर वॉशिंग अवे ऑल्सो, इरोजन ऑल्सो। ये सब हम पढ़ेंगे साइक्लिक परस्पेक्टिव से, जो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी हैव सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड वी हैव सॉइल फर्टिलिटी। नाउ हियर सॉइल फर्टिलिटी अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें काफ़ी डिटेल में स्टडी करना होगा, ठीक है, कि सॉइल फर्टिलिटी जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक सॉइल को फर्टाइल या इनफर्टाइल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रख सकते हैं, हम इसको हाई रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव द प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड द डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो एक प्लांट के अंदर हो सकता है किसी भी टाइप के माइक्रो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, राइट। वी विल स्टडी क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्या होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एंड क्या क्या डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं, और क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं प्लांट के अंदर, राइट। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन वी हैव फॉस्फोरस साइकिल एंड द पोटेशियम साइकिल, राइट। एंड टूवर्ड्स द एंड वी हैव सॉइल कंजर्वेशन। नाउ अगेन ये जो आपका पोर्शन है ये आपका जीएस वाले के अंदर भी हेल्प करेगा, एंड जो आपका मेन एग्रीकल्चर ऑप्शनल है इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू क्लियर दैट एज वेल, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। सॉइल के बाद नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इरीगेशन एंड द वाटर मैनेजमेंट। इसके अंदर अगेन 5 लेक्चर्स होंगे हमारे पास, राइट। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, कि हम किस तरीके से इरिगेशन को सही तरीके से स्केड्यूल कर सकते हैं, राइट, कि कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे आपको जो आपका पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी सिंचाई करनी है। देन वी हैव द रन ऑफ लॉसेस, जो फील्ड्स में हमें बहुत कॉमनली फेस करने पड़ते हैं, कि रन ऑफ लॉसेस जो हैं उन्हें हम कैसे रिड्यूस करेंगे। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज ड्रॉट के इंसिडेंट्स आप चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप कोई और स्टेट ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा है। सो देयर वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि क्या क्या इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, क्या क्या इसमें मॉडर्न मेथड्स हैं जो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं, या जिनकी हेल्प से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ड्रिप इरीगेशन एंड द स्प्रिंकलर इरीगेशन,
एंड वी ऑल्सो हैव मेनी अदर टाइप्स ऑफ इरीगेशन विच वी विल स्टडी इन डिटेल एंड वॉट आर द पर्टिकुलर एडवांटेजेस ऑफ ईच एंड वॉट आर द डिफरेंट हाउ आर दीज टू डिफरेंट, ये भी हम साथ में पढ़ेंगे एक बार कि कैसे एक दूसरे से अलग हैं. देन वॉट वी हैव इज द क्वालिटी ऑफ इरीगेटेड वाटर एंड द इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कि क्या क्या इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में चल रहे हैं. देन वी हैव अबाउट द ड्राई लैंड फार्मिंग एंड देन वी हैव द वाटरशेड मैनेजमेंट. अगेन हम यहाँ पे चार लेक्चर्स देंगे ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर, राइट. इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे अबाउट द ड्राई लैंड फार्मिंग कि एक्चुअली में क्या होता है, राइट. देन वी हैव द प्रॉब्लम्स एंड द कंस्ट्रेंट्स कि क्या क्या होती हैं हमें ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर और वाटरशेड कैसे हम करेंगे मैनेज. देन वी हैव द ड्रॉट विच इज़ नाउ डेज वेरी कॉमन, लाइक महाराष्ट्र में है और जगहों पर भी है जो हमें बहुत कॉमनली फेस करना पड़ रहा है, एंड किस तरीके से हम ड्रॉट को मैनेज कर सकते हैं एंड यू नो मोर देन मैनेज हाउ कैन वी एक्चुअली मिटिगेट इट, राइट. कि अगर हमारे पास कोई थ्रेट है तो हम उस थ्रेट को एक्चुअली में कैसे दूर करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द थ्रेट मिटिगेशन. इसके बाद वी हैव अबाउट सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन कि क्या होता है एक्चुअली में सॉइल इरोजन एंड हाउ आर वी सपोज टू कंजर्व द सॉइल. नेक्स्ट रहेगा कॉन्सेप्ट आपका इवैपोट्रांसपीरेशन का. इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इवैपोट्रांसपीरेशन, राइट. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज जिनकी हेल्प से हम पढ़ते हैं इवैपोट्रांसपीरेशन की एक्चुअली में होता क्या है. एंड टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ दिस वी हैव द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम द GS पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द एग्री ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. एंड ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है इसमें हम स्टेट स्पेसिफिक फोकस इन पर्टिकुलर करेंगे. फॉर द लेट्स से फॉर बिहार इट इज डिफरेंट, फॉर यूपी इट इज डिफरेंट. सी मोर और लेस जो बेस है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो इन पर्टिकुलर हमें इन स्टेट्स के बारे में बात करनी है जहाँ से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन उठ के आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. तो वो हमें इन डिटेल यहाँ पे कवर करना होगा हर स्टेट PCS को नज़र में रख के कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव द इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, दैट हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज योर फार्म. इसके अंदर हम अगेन देंगे थ्री लेक्चर्स, राइट. सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे अबाउट द फार्म मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, देन वी टॉक अबाउट द बजटिंग, देन वी हैव वेरियस सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग कि क्या क्या अलग अलग सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए और उन सब के क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स एंड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आस्पेक्ट, फ़ायदा एंड नुकसान. एंड देन टूवर्ड्स द एंड वी हैव द लीनियर प्रोग्रामिंग एनालिसिस, दैट इज LPA. सी बेसिकली जो LPA है आपका ये स्टैटिस्टिक्स का एंड मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बट वी विल स्टडी दिस थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे ताकि इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, हालांकि LPA से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट स्टिल हमें एक आइडिया होना चाहिए बिकॉज ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है. और फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए LPA का पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना कि सिविल सर्विस वालों के लिए है. तो इसीलिए स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हमें LPA थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स गो अहेड. इसके बाद वी हैव द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. देन वी हैव वेरियस स्कीम्स एंड अप्रोचेस कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स ली हैं, अप्रोच ली हैं. अब यहाँ पे अगेन वी हैव डिफरेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो स्टेट का है वो हम यहाँ पे सेपरेटली पढ़ेंगे हर एक स्टेट के हिसाब से, राइट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज द सोशल इशूज बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, राइट. देन वी हैव इंडिविजुअल मेथड्स, ग्रुप मेथड्स एंड मास कॉन्टैक्ट मेथड्स. देन वी हैव फार्म मैकेनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फार्म मैकेनाइजेशन, राइट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का. इसके बाद वी हैव द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कि ये किस तरीके से हेल्प करते हैं. एंड काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम सुनते हैं अबाउट द KVKs, दैट इज द कृषि विज्ञान केंद्र कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र अपना रोल प्ले करता है फार्मर्स की हेल्प करने में, उनको टाइमली असिस्टेंस देने में, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे वो नॉलेज बेस्ड एडिशन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है
TKDL, चाहे वो उसके बारे में हो, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में इन केवी केस, राइट। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, और लेट्स से लास्ट बट वन, इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 4 लेक्चर्स का ये होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्री बिजनेस एंड व्हाट आर द वेरियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। देन वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ द मार्केट फंक्शंस। अब ये जो है ये बेसिकली आपका पोर्शन रहेगा इकोनॉमिक्स का, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द मार्केट फंक्शंस। बट स्टिल थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये कवर कराऊंगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाबार्ड, राइट। देन वी हैव अगेन एनजीओस, एसएचजीज एंड केवी केस। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ, जो कि आपका करेंट अफेयर से कंसर्न आता है, दैट इज द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिटेल में कराऊंगा आपको। बट यस, मोस्ट लाइकली इससे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपका सेंटर का हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट सर्विस हो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव मार्केट इंटेलिजेंस एंड द क्रॉप इंश्योरेंस, कि ये आखिर में होता क्या है और किस क्या क्या क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, और ये सारी स्कीम्स किस तरीके से एक फार्मर को हेल्प करती है, राइट। एंड देन आई एम कीपिंग 2 लेक्चर्स एज मिसलेनियस, दैट इज अब मान लीजिए कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो आपके स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो सारे पोर्शंस आपके जो मेन स्ट्रीम सिलेबस है उसमें कवर नहीं हुआ है, राइट। वो हम कवर करेंगे मिसलेनियस के अंदर, हालांकि मैं उसके लिए आपके अलग से स्पेशल लेक्चर्स भी लगवाऊंगा और लूंगा, मैं खुद ही लूंगा, राइट। बट जो छोटे पोर्शंस हैं वो हम यहाँ पे आराम से कवर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मिसलेनियस के अंदर जो सेंटर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है लेकिन जो करेंट अफेयर्स से कंसर्न ज़्यादा हैं क्वेश्चंस, वो हम कवर करेंगे इस मिसलेनियस वाले पोर्शन के अंदर। आई बिलीव वी ऑल आर क्लियर विद द सिलेबस ऑफ पेपर वन। सो नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स पेपर टू, राइट। नाउ पेपर टू नाउ स्टार्ट्स विथ सेल बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। एंड इसके बाद एक प्लांट फिजियोलॉजी भी आएगा, जो अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनेगा पेपर टू के हिसाब से। ओके, नाउ लेट अस सी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बेसिकली बहुत ही कंफर्टेबली करने वाली यूनिट है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में PhD नहीं करनी है, राइट। वी जस्ट नीड अ नॉलेज विच इज़ बेटर देन द वर्कमैन नॉलेज, राइट। दैट इज अ सिंपल नॉलेज जो कि एक ग्रेजुएट, और आई मस्ट से एक ऑनर्स ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, कि अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने BSc ऑनर्स कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कहीं से, तो जो उसको नॉलेज होगी, हमें सिर्फ उतनी नॉलेज चाहिए, हमें इनफैक्ट मास्टर्स की भी नॉलेज नहीं चाहिए। और जहाँ हमें मास्टर्स लेवल की नॉलेज चाहिए होगी, वहाँ पे आई एम देयर टू टेल यू कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, यहाँ पे हमको नॉलेज चाहिए मास्टर्स लेवल की, एंड दैट आई विल मेक श्योर कि आपको मैं उसके लिए रेडी करवा दूँ। ओके, लेट्स गो अहेड। 10 लेक्चर हैं। पहला होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स जाएंगे। फिर उसके बाद आपके मैक्सिमम लेक्चर्स इन 10 में से जाएंगे ऑन सेल ऑर्गेनल्स। अब इसके अंदर वी हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग। अब इसमें क्या है, जो आपका UPSC सिविल सर्विसेज है वो क्या करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, लाइक यू हैव प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 15 का भी आ सकता है, राइट। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप बात करेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज की, तो वो यहाँ से काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछेगा सेल ऑर्गेनल्स। इवन जो आपके स्टेट PCS हैं वो भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन पूछता है आपसे सेल ऑर्गेनल से, राइट। मगर जो आपका UPSC का है, नॉर्मल सिविल सर्विसेज जो है आपका सेंटर का, वो आपसे यहाँ तो पूछेगा कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख दें, क्या क्या यहाँ पे साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, आप उसके बारे में लिख दें, गोल्गी बॉडी के अंदर क्या क्या पैकेजिंग होता है, या फिर जो आपका GERL जिसको हम गर्ल सिस्टम कहते हैं, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम लाइसोसोम सिस्टम, राइट, ये किस तरीके से आपका वर्क करता है, राइट। या अगर आपका सपोज लाइजोजोम्स हैं जिसकी हम बात करते हैं, तो लाइजोजोम में यू हैव प्राइमरी से लेके क्वार्टरनरी तक लाइजोजोम्स, इनके बारे में बात करेगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, राइट। लेट्स गो अहेड नाउ।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रहेगा सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस, मियोसिस। इसके अंदर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब आएगा। फिर जो आपका मियोसिस टू है, मियोसिस टू नहीं, मियोसिस वन है, राइट। उसके अंदर जो आपका प्रोफेज है, यह आपका फर्दर अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, हम इन सब के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव इज प्लॉइडी एंड म्यूटेशन। अब इस प्लॉइडी के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन यू प्लॉइडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू प्लॉइडी, राइट। क्या होता है एन यू प्लॉइड्स, क्या होता है यू प्लॉइड्स, एंड अगर प्लॉइडी नंबर में कोई डिफरेंस क्रिएट हो तो उससे क्या क्या सिंड्रोम्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम ब्रीफ में थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव द म्यूटेशंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्या होता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। देन वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन, कि क्यों आखिर म्यूटेशन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। वी आर क्लियर विद दिस ऑल्सो आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज जेनेटिक्स। नाउ जेनेटिक्स हैज 8 लेक्चर्स, थोड़ा सा कम वेटेज है एज कम्पेयर टू सेल बायोलॉजी, बिकॉज सेल बायोलॉजी में हमें ऑर्गेनल्स बहुत डिटेल में करना है, एंड जो म्यूटेशन है एज अ पोर्शन वो हम सेल बायोलॉजी में ही कवर करेंगे, और ये काफ़ी हद तक रेलेवेंट जेनेटिक्स के हिसाब से भी रहेगा। बट ओवर हियर व्हाट वी विल स्टडी इज अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स, राइट। देन वी हैव अबाउट द मॉडर्न जेनेटिक्स, एंड देन वी विल स्टडी कि हाउ इज मेंडेलियन एंड मॉडर्न जेनेटिक्स डिफरेंट, कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, कौन से मॉडर्न जेनेटिसिस्ट हुए है ना, और उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरीज दी। इसके बाद आपका आएगा एलीलिज्म, राइट। इसके अंदर हम बात करेंगे नॉर्मल एलील्स क्या होते हैं। देन वी हैव सर्टेन डिसीजेज ऑल्सो, जैसा आपका मल्टीपल एलीलिज्म हो गया, या और भी कई सारे ऐसे डिसीज हुए विच इज बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव एलीलिज्म, उनकी स्टडी करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट डोमिनेंस। अब इसके अंदर आपका आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, राइट, ये सब पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स, एंड देन वी विल स्टडी कि ट्रेट्स और कैरेक्टर्स में आके डिफरेंस क्या है, कि इनमें से कौन सा सिंगल एग्जिस्ट करता है और कौन सा हमेशा पेयर में करता है एग्जिस्ट, राइट। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही कंफर्टेबली हम जेनेटिक्स को लेके जाएंगे, बिकॉज जेनेटिक्स एक्चुअली में है बहुत इंटरेस्टिंग। द ओनली थिंग इज कि जो आपके बेसिक्स हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मेंडेलियन एंड द मॉडर्न जेनेटिक्स, वो होने चाहिए क्लियर। अगर वो आपके क्लियर हैं तो जेनेटिक्स आपके लिए बच्चों का खेल है, बहुत ही सिंपल जाएगा, राइट। एंड बाकी मैंने आपको बताया ये, बी विद मी, आई विल मेक श्योर कि आपको ये टॉपिक में और बाकी सब टॉपिक्स के अंदर भी कोई भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़े, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज लिंकेज, क्या होता है लिंकेज। इसके अंदर हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट लिंकेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, राइट। देन वी हैव द लिंकेज मैपिंग ऑल्सो, ठीक है। जब हम बात करते हैं सेंटीमोगल यूनिट्स की, तो इसमें से क्या होता है, बेसिकली एक न्यूमेरिकल आपका फ्रेम हो सकता है यहाँ पे, कि आपको एक लिंकेज का मैप बनाने को दे देगा। इस तरीके से आपको मैप बनाने को दे देगा जो आपकी जीन पोजीशन है फिक्स कर देगा, बोलेगा इसके बीच में से 25 सेंटीमोगन है, कहीं पे आपका 40 सेंटीमोगन है, तो आपको उसको सही तरीके से प्लेस करना होगा, राइट। एंड अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो वो आपको एक राउंड का देगा विच इज ऑफ प्लाज्मिड, बट दिस इज एक्चुअली वेरी रेयर टू हैपन कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, राइट। बट खैर हम स्टडी सब कुछ करेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल करने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट यू हैव इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, किस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस पे होता है, राइट, यू स्टडी दिस। इसके अलावा जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल, लाइक यू हैव इन केस ऑफ द टर्टल्स, राइट, वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट यू हैव इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, राइट, किस तरीके से साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर आपका स्नेल का एग्जाम्पल आता है विच इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, राइट, एंड देन कुछ प्लांट्स भी हैं उनका भी एग्जाम्पल आता है। सो वी विल स्टडी दैट हाउ एग्जैक्टली इज द मैटर्नल DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, यही आपका है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूक्लिक एसिड, वी हैव DNA, वी हैव RNA, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, लाइक यू हैव, लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रेप्लीकेशन, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। देन यू हैव ट्रांसक्रिप्शन, देन यू हैव ट्रांसलेशन, थोड़ा हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ द थिंग इज
ये जो टॉपिक है ये हमें बिल्कुल ब्रीफली ही कवर करना है, हमें इसको डिटेल में कवर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो लोग बॉटनी ऑप्शनल कर रहे हैं, जब मैं बॉटनी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं उनको ये काफ़ी डिटेल में कवर कराता हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये हमें सिर्फ एक ब्रीफ में कवर करना है ताकि हमें आइडिया रहे कि एक्चुअली में होता क्या है ये सारा प्रोसेसेस, एंड बेसिकली प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में कैसे होता है एंड हाउ आर दे डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट यू हैव द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अगेन ओवर हियर वी हैव जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, देन वी हैव जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. आपका ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आएगा, कई सारे टाइप के आपके होते हैं ओपेरॉन्स, थोड़ा हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. एंड इसके बाद आगे आपका आएगा म्यूटेशंस एंड द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. अगेन ये हमने पहले भी थोड़ा सा कवर किया था, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में कवर करेंगे फ्रॉम द जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. पहले वो था फ्रॉम द सेल बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सी यहाँ पे बेसिकली आपका पोर्शन आता है बायोटेक्नोलॉजी का, राइट, कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली बायोटेक आएगा, ठीक है. और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर इज सीड टेक्नोलॉजी विच अगेन हैज 5 लेक्चर्स. सी आप लोग को भी लग रहा होगा कि पेपर 2 का जो सिलेबस है इट इज़ एक्चुअली क्वाइट वास्ट एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ पेपर 1. दैट इज़ द मेन रीज़न वाई आई हैव केप्ट 45 लेक्चर्स फॉर पेपर नंबर 1 एंड 55 लेक्चर्स फॉर पेपर नंबर 2, राइट. बिकॉज सी वेटेज दोनों का आपका सेम आएगा, चाहे वो 200 × 2 आए, चाहे वो 250 × 2 आए, चाहे वो 150 × 2 आए, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेंटर का है या आपका स्टेट पीसीएस का है, ठीक है. लेकिन द डिफरेंस ओवर हियर विल बी कि जो पेपर 2 होगा वो वैसे ही ईजी है, लेकिन जो लेंथ वाइज है पेपर 2 में आपको काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ेगा. बट अगेन पेपर 2 इफ़ यू आस्क मी तो इज मोर स्कोरिंग एज कम्पेयर टू पेपर नंबर 1. 2 डेफिनेटली ज़्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू 1, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीड टेक्नोलॉजी. वी हैव 5 लेक्चर्स फॉर दिस. इसके अंदर रहेगा सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सीड सर्टिफिकेशन एंड वॉट आर द सर्टिफाइड एजेंसीज, थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट. नेक्स्ट वी हैव सीड टेस्टिंग एंड सीड स्टोरेज. क्या क्या स्टोरेज से प्रॉब्लम होती है वो वैसे हम अलग से बाद में कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी, वहाँ पे हम जो स्टोरेज डिसीजेज हैं उनको भी काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे. नेक्स्ट यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सीड्स, की सीड्स की भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो होती है और हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन यू हैव IPR एंड WTO इशूज इन्वॉल्व सीड टेक्नोलॉजी के अंदर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यू हैव प्लांट फिजियोलॉजी. इट विल हैव 10 लेक्चर्स. बहुत बड़ा पोर्शन है, काफ़ी डिटेल्ड पोर्शन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, राइट. एंड ये बहुत लंबा जाने वाला है, बेसिकली 10 लेक्चर्स के अंदर भी वैसे तो मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू कवर दिस इन 10 लेक्चर्स ताकि आप इसे कंफर्टेबली एंड कन्वीनियंटली कर सकें, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्पैक इवेंट्स. अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या इवेंट्स हैं, फिर हम पढ़ते हैं क्या क्या थ्योरीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, फिर हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में, जाइलम दैट इज द वास्कुलर बंडल्स, किस तरीके से इनमें ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या इनके सब पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा सब पार्ट आपका रोल में आता है, क्या क्या आपकी सक्शन थ्योरीज हैं, कैपिलरी ट्यूब थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके प्रोपाउंडर्स कौन है उनके बारे में स्टडी करेंगे, राइट. बिकॉज यहाँ से कभी कभी उठ के ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज, यहां से क्वेश्चन उठ के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. ओके वी गो अहेड. नेक्स्ट वी हैव द एंजाइम कोफैक्टर्स, एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम रेगुलेशन, ठीक है. इन तीनों को हम यहाँ पढ़ेंगे, बेसिकली हम एंजाइम्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे कि क्या एक्चुअली में होते हैं एंजाइम, कैसे ये एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम करते हैं, कोफैक्टर एक्चुअली में क्या होता है, क्या क्या एंजाइम के इंटरैक्शंस होते हैं, राइट, कि वो हेल्प करते हैं, दैट इज़ एक साथ काम करते हैं या एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, एगोनिस्टिकली काम करते हैं या सिनगोनिस्टिकली काम करते हैं, राइट, ये सब पढ़ेंगे हम. देन वी हैव एंजाइम किस तरीके से इनहिबिशन करता है एंड एंजाइम कैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस को रेगुलेट भी करता है, ये सब हम पढ़ेंगे, राइट. ये बेसिकली आपका रहेगा द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, राइट. उसके बाद आपका आएगा द लिपिड, द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, राइट. सी ये सारे हमारे हेड्स हैं, इन हेड्स के अंदर हमने कई सारे और सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इज प्लांट हार्मोन्स। अब इसके अंदर आपका ऑक्सिन आता है, जिबरेलिन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है, इथाइलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, एंड और भी लाइक वन मोर एग्जांपल आई विल टेल यू, दैट इज ऑफ द ब्रासिकोस्टीरॉइड्स। राइट, कि व्हाट एग्जैक्टली आर द ब्रासिकोस्टीरॉइड्स। ये भी आपके प्लांट हार्मोन्स कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, मगर ये हम कॉमनली नहीं कवर करते हैं, बट ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं, बिकॉज ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, मतलब डेफिनेटली ये ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज द फोटो पीरियोडिज्म एंड द वर्नलाइजेशन। कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं, क्या होता है इनका मीनिंग, विंटर्स में क्या, समर्स में क्या, डे न्यूट्रल, डे लाइट, सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। राइट, देन वी हैव अबाउट द फ्रूट फिजियोलॉजी। राइट, एंड देन आएगा आपका मेन पोर्शन जो थोड़ा डिटेल्ड जाएगा, दैट इज ऑल द फिजियोलॉजिकल, और आई शुड से द बायो फिजियोलॉजिकल और द बायोकेमिकल साइकिल्स। राइट, चाहे C3 हो, C4 हो, कैल्विन, PCO, कैम, ग्लाइकोलिसिस, अदर, एंड बहुत सारी इसके अंदर साइकिल्स हम पढ़ते हैं। राइट, तो उन सब को भी हमें डिटेल में कवर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लांट पैथोलॉजी। अगेन यू हैव 5 लेक्चर्स ओवर हियर फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फॉर द टॉपिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। राइट, एंड यू हैव प्लांट ब्रीडिंग। अगेन यू हैव 5 लेक्चर्स ओवर हियर। सी, पैथोलॉजी में वी विल टॉक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट डिसीजेस एंड द स्टोरेज प्लांट डिसीजेस। राइट, देन वी विल टॉक अबाउट द क्लॉजेज ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीजेस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। देन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल मेजर्स ऑफ द डिसीजेस। किस तरीके से हमें किसी पर्टिकुलर डिसीज को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे आपके बैक्टीरियल डिसीज हो सकते हैं, कैन बी फंगल डिसीज। राइट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ से वायरल डिसीजेस, समटाइम्स सम प्रोटोजोअन्स ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट्स, सब पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, देन वी टॉक अबाउट द माइक्रोबियल टॉक्सिन्स क्या होते हैं, वेदर दे आर एंडोटॉक्सिन्स और दे आर एक्सोटॉक्सिन्स, एंड हाउ आर दे डिफरेंट, किस तरीके से ये आपके पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। देन वी टॉक अबाउट द एपिडीमियोलॉजी। नाउ द मीनिंग ऑफ एपिडीमियोलॉजी इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंट्रोल। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है एंड किस तरीके से हम डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं इन द एपिडीमियोलॉजी। एंड देन वी हैव द डिसीज फोरकास्टिंग ऑल्सो। राइट, फिर हम बात करते हैं प्लांट क्वारंटाइन की, एंड टूवर्ड्स द एंड वी विल टॉक अबाउट द पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेप्ट, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे रोल प्ले करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, एंड वॉट आर दी अल्टरनेट्स टू पेस्टिसाइड्स ऑल्सो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अल्टरनेट्स क्या हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लांट ब्रीडिंग। सो 5 लेक्चर्स पहले पढ़ेंगे अबाउट ऑटोगैमस, एलोगैमस, एसेक्सुअल स्पीसीज ब्रीडिंग, देन वी हैव द लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, देन वी हैव द मास सिलेक्शंस एंड द प्योर लाइन सिलेक्शंस। यहाँ जो बेसिकली क्रॉसेज हैं जो जेनेटिक्स वाले हैं, लाइक जेनेटिक्स के अंदर वॉट डू वी हैव, वी हैव द पेरेंट्स F1 जनरेशन, वी हैव द F2 जनरेशन। वापस जाते हैं, हमारे पास बैक क्रॉस होता है डोमिनेंट के साथ है, आउट क्रॉस हो गया रिसेसिव के साथ है, टेस्ट क्रॉस हो गया। राइट, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, लाइक यू हैव आउट क्रॉस, यू हैव टेस्ट क्रॉस, यू हैव बैक क्रॉस। ठीक है, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारे जो क्रॉसेस हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, एंड कैसे होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉलिकुलर मार्कर्स, कि क्या होते हैं मॉलिकुलर मार्कर्स, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसके अंदर जो आपका हाई थ्रूपुट यील्ड HTY होता है सीक्वेंसिंग। देन यू हैव यर द पायरो सीक्वेंसिंग। थोड़ा सा हमें बस आइडिया चाहिए क्या क्या टेक्निक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये बेसिकली फॉरेस्ट सर्विस में इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट जो मेन आपका सेंट्रल सिविल सर्विस है, जो आपका UPPCS है, उसके अंदर भी एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ओके, देन वी टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका रहेगा इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। एज आई गिव यू एन एग्जाम्पल अर्लियर, वी हैव Species 1, Species 2, कुछ इंडिविजुअल वन का टू के साथ है, इट विल बी इंटर, वन का आपस में है, इट विल बी इंट्रा। राइट, सो लाइक दिस वी विल स्टडी दिस ऑल्सो। ओके, देन वॉट वी हैव इज एंटोमोलॉजी फॉर 5 लेक्चर्स, हॉर्टिकल्चर फॉर 5 लेक्चर्स। एंटोमोलॉजी ओवर हियर हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स क्या होते हैं। राइट,
बेसिकली ये किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जनरली वी हैव अ क्लास कॉल्ड इंसेक्टा। अभी जो इंसेक्टा है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ओके आर्थ्रोपोडा, ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ राइट। बट और भी क्या होते हैं इंसेक्ट्स जो इंसेक्टा में नहीं है, या जिनको हम एज सर्टेन इंसेक्ट या हम बोल सकते हैं एज पेस्ट कंसिडर करते हैं, अगर वो रोडेंट्स हैं राइट। तो रोडेंट्स जो है वो एज अ पेस्ट जो है आपका रोल प्ले कर सकते हैं क्या, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के पेस्ट के बारे में, लाइक यू हैव वीट, राइस, मिलेट्स, यू हैव कॉटन, यू हैव मैंगो, यू हैव पल्सेस, यू हैव बनाना, ब्रिंजल, टमाटो। ओके एंड देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम, दैट इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि ये आईपीएम आखिर में होता क्या है। ओके देन वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज द हॉर्टिकल्चर। पहले हम पढ़ेंगे रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन, क्या होता है ये राइट। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं हॉर्टिकल्चर के, किस तरीके से हॉर्टिकल्चर जो है बेनिफिशियल है। ओके देन वी हैव सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, देन वी हैव हाई डेंसिटी ऑर्कार्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। ओके ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। देन वी हैव अ विजन 2020 डॉक्यूमेंट, यू हैव SDG 2030 ऑल्सो, वो हम अलग से पढ़ेंगे। देन यू हैव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS एंड टारगेटेड PDS। देन यू हैव हाई डेंसिटी ऑर्कार्डिंग। देन वी टॉक अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स एंड हाउ आर बायो फर्टिलाइजर्स यूजफुल इन दी ऑर्कार्डिंग और दी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज। ओके फिर हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन लाइन पॉपुलेशंस ऑफ द गार्डन क्रॉप्स। ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ में कवर करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जो है एज इट इज मेंशन है, बट ये कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। एंड देन वी हैव द फूड सिक्योरिटी। ओके इसके बाद रहेगा हमारे पास मिसलेनियस। अगेन जिस तरह पेपर वन में था, पेपर टू के अंदर भी हमारे पास मिसलेनियस है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो यूजुअली किसी के अंदर भी कवर नहीं हुए हैं, जैसे यू हैव PEM दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देन यू हैव PCM दैट इज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन राइट। ऐसे कुछ और टॉपिक्स हैं जो एज इट इज कवर कहीं और नहीं हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे मिसलेनियस के हेड के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यस सर्टेन क्वेश्चंस जो कुछ ऐसे पोर्शन से आते हैं जो सेंटर का नहीं है लेकिन स्टेट स्पेसिफिक है, वो भी हमारा मिसलेनियस के अंदर ही कंफर्टेबली कवर हम करेंगे राइट। सो दिस वॉज अ ब्रीफ आइडिया कि किस तरीके से आने वाले 100 लेक्चर्स हम लेने वाले हैं पेपर वन एंड पेपर टू के कम्बाइंड। अगेन आई विल टेल यू पेपर वन हैज़ 45 लेक्चर्स, पेपर टू हैज़ 55 लेक्चर्स राइट। 45 मिनट्स के आसपास का हमारा एक लेक्चर रहेगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ राइट। जिस तरह मैं अपनी कोचिंग में कराता हूँ उस तरीके से ही मैं आपको भी पढ़ाऊँ, ताकि जो एक लेवल मेंटेन होना है सभी स्टूडेंट्स का वो बराबर मेंटेन हो, और ये जो इनिशिएटिव है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये सक्सेसफुल साबित हो हम सब के लिए, बिकॉज आपकी सक्सेस के अंदर ही हमारी भी सक्सेस है राइट। सो ऑन दिस नोट फ्रेंड्स आई विल टेल यू टुगेदर वी विल डू इट, एंड बस आप लोग का साथ चाहिए। रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, चलना आपको उसके ऊपर है, एंड एक साथ आप, मैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म सब साथ में ग्रो करेंगे, प्रॉस्पर करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर पेपर वन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।